हमारे सामने दिख रहा है घाटी गांव का खूबसूरत जंगल। वैसे तो ये जंगल ज्यादातर सूखा रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में हर तरफ हरियाली छाई है। ग्वालियर से शिवपुरी के बीच का जो जंगल नुमा एरिया है, यहाँ पर ज्यादातर गांव काफी समय तक शहर से कटे हुए थे। अब जाकर इन गांव में सुविधाएं पहुंच रही है। पक्की सड़कें इन गांव को शहर से अब जोड़ने लगी है। हम आज आपको आरौन गांव की तरफ ले जा रहे हैं, साथ में आपको आगे गोलार घाटी दिखाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत घाटी नुमा एरिया है हमारे ग्वालियर क्षेत्र में, जो कम ही लोगों ने देखा है। इस वीडियो में हमें आगे एक पहलवान दोस्त मिले थे गांव में, जिनके साथ हमने एक पॉडकास्ट के फॉर्म में बातचीत रिकॉर्ड करी है। एक बोल रहा था कोई यार गांव में बहुत डर लगता है, गांव वाले खतरनाक होते हैं। मैंने कहा गांव आप कुछ तो उससे लड़ने जाते हो पलायन की वजह से, क्या एक ही जगह पे भीड़ बढ़ जाती है तो उससे कोई फायदा किसी का भी ना, शहर का फायदा है ना गांव का फायदा। मैं पहले 20 रुपए 15 रुपए लीटर दूध था, पूरा इनको ही पिलाना, मेरा तो हो गया, पेट भर गया। जाओ जाओ मीठा नहीं मेरा हो गया। अरे हो गया, अरे नहीं हुआ, अरे बेटा तू पी ले। पहले के समय यहाँ पे काफी लोग रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे पुरानी पुरानी हवेलियाँ भी है। हम लोग आरौन गांव में हैं, यहाँ पुराना मंदिर है, आपको दिखा चुका हूँ पहले मैं एक बार, और यहाँ सामने किला है अंदर। आरौन गांव काफी प्राचीन ऐतिहासिक गांव है। आज भी अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको पुरानी हवेलियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आरौन का किला भी है, यहाँ पे काफी खूबसूरत हवेलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ब्रिटिश के समय का गैरेज है, एक पुराना ब्रिटिश के समय ये छावनी हुआ करी होगी, हो सकता है कि गाड़ी घड़ी खड़ी करने के लिए हो या फिर वो हथियार रखने के लिए कुछ होता होगा। और किला तो है ही यहाँ पास में, चलते हैं। अब इस गांव में पुरानी हवेली है, पुरानी हवेली ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पैसेवाल लोग रहते थे, तहसीलदार जमींदार। अभी हम लोग आराम से मुड़ गए हैं गोलार घाटी के लिए। आराम गांव से ही रानी घाटी का रास्ता जुड़ता है। रानी घाटी एक ऐतिहासिक महत्व रखती है नरवर रियासत की कहानी में, लेकिन आज हम रानी घाटी नहीं, आज हम कोलार घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा गांव है ये? ये डमोरा है, छोटू पहलवान आपसे जुड़े हैं। अच्छा 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 हम भी जुड़े हैं। तो ये भैया हैं, ये हम हमारे लोगों की वीडियो देखते हैं ना, डेढ़ भैया के फैन है ये। अरे बहुत कर रहे भैया। अरे वाह, हम लोग यहीं से निकल रहे थे, कोलार घाटी जा रहे थे, भैया ने आवाज लगाई, आप लोग भी वीडियो देखा करो, शेयर करा करो। और राम राम। यहाँ से गोलार घाटी पास में ही है, मकर ध्वज मंदिर भी यहाँ पे पास में है, माथा को भी पास में है। आपको पहले हम लोग एक बार आए थे, अब दिखाया था सब कुछ, भैया के घर आए हैं हम लोग। अलग ही मजा आता है गांव में आके, यार सुकून मिल जाता है। ये जिंदगी मनजानी लाइफ। भैंस दीदी भी है यहाँ पे, राम राम भैंस। और अपना भांजा, छोटा भांजा भी है। हमने थोड़ी बहुत इनसे बातें करी और मैंने उसको एक पॉडकास्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया। अभी अगर आप ये पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, गांव की जिंदगी के बारे में सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, नहीं तो आप इस पॉडकास्ट वाले पार्ट को स्किप करके आगे गोलार घाटी वाले पार्ट पे जा सकते हो। ये सब भोजन देवर भैया के सही है, उनका शरीर कम है, मेरा शरीर तो बढ़ गया, मुझे तो कसरत की जरूरत है, कोई पहलवान बनना है। मैं सोच रहा हूँ भैया के यहाँ अभी बन रहा है, क्या कहते हैं, क्या हवा बना रहा है, दीपावली तक अखाड़ा, क्या अखाड़ा, मैं सोच रहा हूँ अखाड़े में भर्ती हो जाऊँ, एक दो महीने में पतला कर देंगे भैया मेरे। हाँ, 5-7 किलोमीटर की दौड़ मारना, सुबह जल्दी उठना, अच्छा शाम को एक ठड्डा बैठक बैनत मारना, हाल चला देंगे। हाँ, खेती बाड़ी भी कर लेंगे, हल्का एक उसमें फाड़ा से गोड़ना, गुड़ाई मुड़ाई पूरा फेट वेट सब चला जाएगा, एक हफ्ते भग जाएंगे। नहीं, पतला तो हो जाऊंगा, जरूरी है शरीर, ये तो है, ये तो है।
नहीं तो अभी जवानी है ने ग्वालर घाटी को दो तीन बार चढ़ाना लकेश्वरी की माता का मंदिर ले जाना उधर पूरा इनको ही पिलाना मेरा तो हो गया पेट भर गया ये जाओ यार मीठा नहीं पी लो नहीं मेरा हो गया अरे वो अरे नहीं हुआ अरे बेटा तू पी ले डेविड भाई नहीं हुआ हो गया हो गया अरे नहीं हुआ जरा सा डालना बस 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 शाम को खाना नहीं खाएगा कैसे पता बिना बिना मीठे भी अच्छा लगता है ऐसी बात नहीं उनको नम वो खट नमकीन नमक डालो हल्का सा चाट में मजे मजे तो आप कुश्ती उससे लड़ने जाते हो कहाँ पे होते कॉम्पिटिशन वगैरह अब सब जगह अब इंदौर में डली है कुश्ती अच्छा अभी उसकी डिग्री नहीं गई दुआ में गए थे आप हाँ जलालपुर सब जगह जाता हूँ जलालपुर में भी जा मैं भी नहीं आता पूरा मेरी उससे हुई थी आगरा वाले से कुश्ती हुई थी कभी फुर्सत में आओ एक रात के लिए दाल बाटिया का बोलेगा दाल टिक्कर दाल बाटी तो भी एक अलग टिक्कर टिक्कर बढ़िया आपका अपने यहाँ का तो टिक्कर ही है राजस्थान में है बाटी बाटी अपने टिक्कर उससे बेहतरीन खाना कुछ भी नहीं है सही बात है देसी खाना कहीं भी चले जाओ दाल टिक्कड़ से अच्छा कुछ भी नहीं है चूल्हे पर बना एकदम गरम गरम दाल भी अच्छी बनती है सब्जी भी डाल के बढ़िया उसमें थोड़ा घी का तड़का ले लें हम लोग कहीं तेल डाल के मैगी मैगी जाके कहीं भी पिकनिक मना रही मैगी बंद करते मैगी सही भी नहीं है सही के लिए वो तो क्या जल्दी बन जाती है बस ये बात आओ कोई बात हो ना बाकी तो वैसे मैगी सही चीज़ नहीं मैगी सही खाना तो दूध है बड़ी है बाजरे की रोटी बाजरा आ चला आजा आने वाला बस बस बाजरे की तब तक भाजी भी जाएगी चने की बाजरे का तो सर्दियों में चकता कभी बचता भी तभी है बताओ थोड़ा गांव के बारे में आप ये पुराना गांव है काफ़ी बहुत पुराना गांव है हम तो सब गांव एक यहीं की रहने वाली नहीं है हम तो इधर मुरैने के पास में हटूपुरा गांव है हमारा गोत्र हमारा गुरैया है कुछ पहली साइड परियार रहते हैं बगिल समाज है सब समाज बोर्ड भी है आज तक किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ बहुत शांतिपूर्वक है गांव गाँव में तो कोई दिक्कत नहीं है शहर में है सब कुछ थोड़ा सा और बचा भैया भैया मीठा नहीं अजीब लगता है ज़्यादा मीठा हो जाता था बिल्कुल कुछ नमकीन नहीं होना तो अजीब मीठा एक चीज़ नमकीन हो ना तो तब भी ठीक है पूरा मीठा हो गया ना केला भी मीठा हो गया बढ़िया हवा मौसम मच्छर भी हमारे इधर जो धानान होने लगी ना जब से आने लगा अच्छा धान से आ रहे पहले नहीं थे तो धान हो जाती है हाँ धान बहुत अपने लिए हो जाती है फिर बता खेती अच्छी खेती अरे बढ़िया खेती पानी कैसे बढ़िया पानी है पानी अंदर बोरिंग है बोरिंग का अच्छा है। बोरिंग है पर हमारे इधर ऐसा प्रक्रिया चलती है ऐसे एक साल हो जाता है तीन साल सूखा पड़ जाता है दो साल से ठीक हो रहा है अच्छा भी अब देखो पिछले साल भी बारिश कम हुई थी अब हो गई एकदम से हाँ अच्छी बारिश बच गए हम देवता पे गए थे उस दिन तो उस दिन देवता तो पहले बारिश नहीं थी देवता ने उस दिन हमारी वीडियो देखना आप उसमें डला भी देवता बनाया मैंने कुछ दिन पहले उसमें देवता ने बोला था कि कल तो बारिश होगी इतनी तेज तूफान आया इतनी तेज बारिश हुई माने तो होती है लोगों की लोगों को पता रहती है कब होने वाला है कब क्या होने वाला सब पता रहता है हमारे नरसिंह बाबा उनने बताई थी उर्द मुर्द की खेती मत करो उसी की करो बाजरे माजरे की तो सही उनने बोला उर्द नष्ट हो गए बाजरा ठीक है ये जो चीज़ें होती हैं गाँव में क्या होता है जो तपस्या करी होती है लोगों ने उन लोगों को चीज़ों के बारे में भावना समझ में आ जाती है कि ये होने वाला है ऐसा अब तो नेट बताने लगे नहीं नेट तो बताने लगा लेकिन तब भी जो गांव के जो लोग देवता पता रहती है उनको ज़्यादा चीज़ें गांव जैसा सुकून नहीं है वही तो तभी तो हम दोनों भाई हमेशा गाँव में घूमते रहते हैं ठीक है हम कहते हैं कि हमारा वीडियो ना बने लेकिन मिल तो जाती है लोगों से मिल जाता है बातचीत हो जाती है घूम फिर लेते हैं पूरे हफ्ते भर चार्ज हो जाते हैं इस तरह से घूम फिर के नहीं ठीक है ज़िंदगी में आए तो घूमना फिरना सबसे जान पर नौकरी कर ली अब जब समय मिलता तो गाँव आया नहीं सही है अब और कोई शौक हमारे शौक है नहीं हमारे यही शौक है जी बढ़िया है सही है एक बोल रहा था कोई यार गांव में बहुत डर लगता है गांव वाले खतरनाक होते हैं मैंने गांव आओ तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वीडियो घूमना शुरू किया था तो हमें हमेशा सब लोग यही बोलते थे कि गांव वगैरह मत जाओ चंबल में लूटपाट होती है और चंबल में गांव वाले लूट लेते शहर वालों को
लेकिन जब पहली बार मैं अकेला गया, अभी डेविड भैया तो अभी मिले, डेविड भैया जाने लगे आजकल, तब तो टेंशन नहीं है वैसे, लेकिन पहले हम लोग अकेले, मैं अकेला जाता था तो मुझे लोग मिल जाते थे, राम राम कर दो बस, लोग इतना अपना समझते हैं, लोग अपने गाँव में बुला लेते हैं और खाना खिलाते हैं, जैसे भैया ने आज बुला लिया हमें, तो ऐसे ही मतलब हर गाँव में ऐसा ही है, बस वो तो क्या है कि आदमी अब जो आदमी शहर में आ गया ना तो वो छोटा समझता है गाँव में, सही बात है, तो फिर वो कहता है कि ये तो ऐसे होंगे या वैसे होंगे, असली में क्या है जो सच्चा जाके ही पता पड़ता है कि क्या है, जाके समझना, और कभी कभी कुछ ना कोई लड़के होते हैं जो उत्पाद मचाते हैं, उनकी वजह से पूरा नाम खराब हो जाता है, वो है, लेकिन वैसे हर आदमी ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर आपको मिलेंगे जो आदमी ऐसे मिलेंगे शांत, और गाँव में क्या लोग सीधे भी होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा चलाक भी नहीं होते, जैसे अपने बाजार में थोड़ा चलाक आदमी ज़्यादा है। आप हमारे इधर आए, मुलाकात हुई है, तो आप दोस्त की तरह नहीं, एक रिश्तेदार और एक भाई की तरह, वही 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 दिल खुश हुआ है। यूट्यूब पे, उस पे, इंस्टाग्राम पे वो महाराज जी है, पीरी पीरी सी, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वही तो बोल रहे थे कि शहर में कोई जाएगा तो राम राम श्याम श्याम भी नहीं करेगा, कोई ना कोई पूछे, एक लोटा पानी भी नहीं पिलाएगा, गांव वाला तुमको राम राम करेगा, एक लोटा पानी भी पिलाएगा, सही बात है, ऐसी बिल्कुल सही कहते हैं वो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और हर आदमी गाँव से शहर आ जाएगा तो कोई फायदा भी नहीं, सही है, गाँव की भी तरक्की होनी चाहिए, सही बात, कि आदमी गाँव में भी कमा पाए, गाँव में भी जीवन चला पाए अपना, गांव में कोई दिक्कत ना आए। हम पहले छोटे से थे तो हम गांव ग्वालियर से इधर आते थे तो इतना बुरा लगता था गांव में, क्योंकि सड़क नहीं थी, रोड नहीं है, कीचड़ है, कीचड़, पानी वानी कोई व्यवस्था नहीं, कीचड़ मीचड़, और क्या कहते हैं वो, लाइट माइट नहीं थी, लेकिन जब रोड भी हो गया, रोड आ गई है, लाइट आ गई है, और साथ में इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट से क्या है बहुत सारी चीज़ लोगों को समझ में आ गई है कि क्या क्या कर सकते हैं, पानी की भी समस्या, पानी की समस्या, नल हो गए, साथ ही में जैसे अब इंटरनेट पे लोग देख के नई नई खेती बाड़ी सीख लेते हैं, अरे बहुत नई नई चीज़ें कर सकते हैं, अरे कुछ भी तुम बोल दो हाल सब बता देगा, कोई दिक्कत हो जाए, कोई जरूर समझ लो, कोई भैंस में बीमारी है, कोई जानवर में बीमारी है, नेट पे समझ में आ जाती है, ये दिक्कत ऐसे दिक्कत लो, बहुत फ़ायदा हुआ है इन चीज़ों से, बहुत कुछ, कहीं कहीं नुकसान भी है लेकिन बहुत ज़्यादा फायदे ज़्यादा हुए हैं, अब क्या गाँव का आदमी गाँव में टिक सकता है, जरूरत नहीं है उसको, पहले क्या जाना बहुत परे, बीमारी अच्छी तगड़ी वजह से जो कहीं कहीं जाते थे शहर भाग रहे हैं, तो शहर हमसे बहुत दूर है, 55 किलोमीटर है, जब तक रास्ते में कोई खतरा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो गांव के आसपास अस्पताल आ जाएंगे तो फिर लोग कम हो जाएंगे, पलायन करना, पलायन कम होना चाहिए, पलायन ज़रूरी नहीं है, पलायन की वजह से क्या एक ही जगह पर भीड़ बढ़ जाती है, तो उससे कोई फ़ायदा किसी का भी ना, शहर का फ़ायदा है ना गाँव का फ़ायदा है, गांव में भी तरक्की हो जाए, गांव में भी नौकरियां आ जाए, और शहर में भी आ जाए, आना है धीरे धीरे, आएंगे आएंगे, अब पहले क्या है, अब हमारे इधर नहर भी की चल रही है, नहर भी आ जाएगी तो हमारे सारे काम वो, और ये बड़े फार्म खुल जाएंगे, बड़े फार्म खुलेंगे तो बाकी लोगों को नौकरी मिल जाएंगी उसमें, और क्या, अब हमारे गाँव में पहले 20 रुपये 15 रुपये लीटर दूध था, अब हमारे इधर 70 रुपये लीटर दूध हो गया, क्योंकि वो डेयरी आ गई, अच्छा। जी अमूल वगैरह की, तो उसमें क्या रेट अच्छी मिल रही है, मुनाफा भी मिल रहा है, अब भैंस रखने भी अच्छा हुआ, अच्छा अब वो टेंशन कम होती है, पहले मैं ग्वालियर जाता था 50 रुपये लीटर में दूध देता था, अब गाड़ी सब यहाँ आती है, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो गांव में ही है, मशीन ले आए, दूध कौन ले जाता है, मैं ही ले जाता था ग्वालियर, अब कौन ले जाता है, अब तो दो भैया हैं, अच्छा, वो क्या है वो मशीन वगैरह ले आए, तार है तेरे पास, किसका, सिम कार्ड है वो, नहीं सुने, ठीक है भैया, राम राम, आपका बहुत धन्यवाद, ठीक है भैया, राम राम भैया, कैसे कह दें, रुको आपका घर, हम एक दिन आएंगे, रात को रुकेंगे आपको, हाय हेलो, हमारे पहलवान भैया और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में, गाँव का मौसम आनंद लेते हुए, यहाँ से आराम ख़त्म होता है, करैया सीमा शुरू हो जाती है, और नीचे हम लोग गोलार घाटी में उतर रहे हैं, डबोरा गांव पार करते ही नीचे करहिया के लिए घाटी उतरती है, ये गोलार घाटी काफी खूबसूरत है, चारों तरफ जंगल है, बताया जाता है यहाँ पर काफी जंगली जानवर भी हैं। उत्तराखंड की गोल गोल सड़कों की याद आ गई, उसी तरह से यहाँ पे भी गोल गोल सड़कें नीचे की तरफ उतर रही है। मौसम भी अच्छा है आज, हल्की हल्की बूंदे हैं, शायद सर्दियों में यहाँ पर आए तो बिल्कुल ही शिमला जैसा माहौल लगेगा,
तो ये देखिए यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, ऑनलाइन इसके बारे में सीता कुंड लिखा है, पता नहीं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मुझे, लेकिन प्राचीन मंदिर है, मंदिर शायद ऊपर है, ये भी मंदिर है छोटा सा, और अंजीर के पेड़ लगे हैं शायद यहाँ पे। हाँ बाबा, बाबा का मंदिर है, पता नहीं किसके किसका है। यहाँ ऊपर भी छोटा सा मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग है ऊपर, और ये कुंड है, शायद इसी को कुंड को कहते हैं सीता कुंड। ये नेचुरल पानी आता है जो जमीन का अंदर से। सांप बैठा है, सांप भी बैठा हुआ, बताओ बैठा है पानी। हाँ सांप बैठा है, कोई घर घर है उसका वो। और ये देखिए नेचुरल पानी आ रहा है जंगल में से, पहाड़ों के रास्ते। वाह, चलिए चलते हैं अब यहाँ से। पता नहीं अभी कोई बाबा वगैरह होते, थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती इसके बारे में, जगह के बारे में। एक चिंपांजी आ गया है अफ्रीका से। गोलार घाटी हम चलेंगे चिनौर रोड होते हुए ग्वालियर, कुछ दिखा तो दिखा देंगे आपको, नहीं तो बने रहिए हमारे साथ, अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों का शेयर करें। ऐसा देश है।